तो क्या बनेगा, राजा बनेगा? नहीं ऐसी बात है। तो क्या बनेगा, लेबर बनेगा कि राजा बनेगा? क्या बड़ा हो गया, कोई काम करना है। काम करना है तो पढ़ाई नहीं करेगा? नहीं। तो क्या नहीं किया है, कोई काम कैसे करेगा? जाके जो है नाला साफ करेगा लोग का, बाथरूम साफ करेगा, लेटरिन साफ करेगा, बताओ। राजा बनो, हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसा लोग बताते हैं, ऐसे नेता लोग, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग बताते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा लेटरिन साफ करे और हमारा बेटा नेता का बेटा नेता बनेगा। ये सच्चाई है, सही है कि नहीं है? सही है सर, सच्चाई। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे किताबों में कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो नेता का बेटा काहे नहीं लेटरिन साफ करता है? जब छोटा बड़ा नहीं होता तो काहे नहीं साफ करता है? गरीबे का बेटा काहे ये सब काम करेगा? गरीबे का बेटा गंदा काहे साफ करेगा, कचरा काहे उठाएगा? नेता का बेटा भी एक बार उठा के देखे, काहे नहीं पढ़ाई करता है? नहीं किया सर ऐसा। तो काहे नहीं किया, खाली टंडली है हमारा। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। और देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? उतना नहीं पता है। उतना नहीं पता है। बिहार का राजधानी कहाँ है? क्या नहीं पता। देश का राजधानी कहाँ है? नहीं पता है। अब बताओ कैसे तुम काम करेगा, तुम बताओ। तुम बाहर भी जाएगा तो क्या करेगा, 300 रुपया पे मजदूरी करेगा, और तुम उसके बाद से जो है बाहर बंधक बनाएगा, सब मारेगा, सब पीटेगा, सब काहे काहे चिल्लाएगा, और उसके बाद मनीष का सब वीडियो बना देगा तो उसको जेल में ठूस दिया जाएगा, काला पानी का साजा हो जाएगा। सही है कि नहीं है? सही। अभी एगो पंजाब राज्य में जो है फरमान जारी किया गया है, हम न्यूज पे पढ़े हैं भाई, हम अपना बात नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है बिहारी 9 बजे के बाद से रात में नहीं निकल सकते। अब बताइए यह बात, वहाँ पे स्पेशल वीडियो बना दे तो NSA लगा देगा सब? लगा देगा सब। मजदूरों को ही ना दिक्कत है वहाँ पे, तो हर जात के लोग मजदूरी करते होंगे बिहार के जाके, ये चीज़ है। लेकिन डर के मारे बोलने का मन नहीं कर रहा है, कहीं कि जेल में डाल देगा तो हम लोग जात पूछ के लोग सपोर्ट करेगा कि कौन जात का है। हम तो बिना जात पूछे सपोर्ट कर देते हैं, और सरकार किसी की भी होती है गलत होता है तो रेलते हैं। पढ़ाई अगर नहीं करेगा ना, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा बाबू। और ये जो ये रंगवाओं वाले रहे हो ना, अभी मज़ा आ रहा है, 20-25 साल के बाद जब एक बार शादी हो जाएगा ना, और एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे जैसा हो जाएगा ना जब तुमको, उसके बाद से समझ में आएगा। इसीलिए पढ़ाई करना जरूरी है, और बिहार में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, और सरकार भी चाहे इधर का हो या उधर का हो, कोई भी सरकार नहीं चाहता है बिहार के लोग पढ़े। जानते हैं क्या है, क्या कि सबसे मेहनती लोग मजदूर के रूप में कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से भैया मिलते हैं? बिहार से, बंगाल नहीं, बिहार से। और इसीलिए चाहता है सब कि बिहार के लोग पढ़े ही नहीं, इसीलिए हम लोग झक मार रहे हैं। भैया जो है उनको जो है मिल रहा है ना 12,000, जबकि उनको 22,000 रुपया मिलना चाहिए कम से कम, 20,000 से तो ऊपर मिलना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो हम लोगों को तो बिहार में भी लूटा जा रहा है, बिहार से बाहर भी लूटा जा रहा है। काहे लूटा जा रहा है, काहे कि हम पढ़ नहीं रहे। तो पढ़ाते हैं कि नहीं आप लोग अपने बच्चे को? पढ़ाते हैं ना, गमछा का रंग कुछ भी हो, आप RJD समर्थक हो, भाजपा समर्थक हो, फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हम एक बात बोल रहे हैं, किसी भी पार्टी का समर्थन कीजिए, जब जमीन पे उतरेंगे भैया तो हम ईमानदारी से जो है चीज़ों को दिखाएंगे, एकदम गलत होगा तो दिखाएंगे, और जब हम अपने पार्टी के साथ रहेंगे तो वहाँ पे जो है ईमानदारी से रहेंगे। यहाँ पे अगर गलत होगा भैया तो हम नहीं समझेंगे कि आप RJD समर्थक है तो आपकी कहानी नहीं दिखाएं। हम आप किसी भी पार्टी के समर्थक होंगे, आपके साथ गलत होगा मनीष कश्यप खड़ा रहेगा। और बस सबसे कहना चाहते हैं भैया, कुछ हो या ना हो अपने बच्चे को पढ़ाइए जरूर, नहीं पढ़ाइएगा लोग तो बिहार ऐसे भी IAS IPS का फैक्ट्री हुआ करता था। कहा जाता था सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेट ऑफिसर बिहार में पैदा होते हैं, और आज जो है मजदूरों का फैक्ट्री हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज है। तो अब तो तुम्हारा तो कहानी खत्म हो गया है, अब तुमको तो मजदूरें बनना पड़ेगा, वो तो हमको पता चल गया। लेकिन अब कम से कम जो है अपने बच्चे को पढ़ा लेना, और हो सके तो तुम भी थोड़ा बहुत कुछ स्किल सीख लेना। स्किल मतलब समझते हो क्या क्या होता है? टंडली मारना, टंडली मारना होता है, गुटका खाना होता है, बाल ऐसे बड़ा कर लेना होता है, ऐसे ऐसे समझा ना, काम सीख लो कोई, जैसे ड्राइविंग करना सीख लो, या वेल्डिंग करना सीख लो, या कोई भी काम सीख लो, कोई भी स्किल सीख लोगे तो 300 रुपया के जगह पे जो है 500 600 700 800 1000 रुपया मिलेगा। सही है कि नहीं भैया? अच्छा ये पुलवा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्या एकदम क्या इतना पैसा लग रहा है, सही बात है सर।
ये पुल तो मजबूत है, एलएनटी बना रहा है क्या? एलएनटी बना रहा है तो एलएनटी पे भरोसा है, एलएनटी मजबूत पुल बनाता है और मजबूत स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी प्रकार का ठेकेदार का है ना बिहार में आ जाए, यहाँ का नेता लोग जो है ना गड़बड़ी करवाइए देता है। लेकिन ई पुल का डिजाइन उजाइन देखने के बाद लग रहा है कि ई पुल नहीं गिरेगा। अब आगे जो है गिरा दे लोग तो उसका अलग बात है, लेकिन ई पुल कोई नहीं देखता सर, आदमी का कोई गारंटी नहीं है तो इसका क्या गारंटी है? इसका गारंटी होता है, इसमें पैसा लगता है, समझा ना? और सुनिए ये सब गारंटी 100 साल के लिए होता है। अगर 100 साल से पहले गिर गया तो समझिए कि आपके यहाँ के नेताजी ने खा लिया है मोटा मार, समझे ना? तब ठेकेदार ने गड़बड़ कर दिया। भागलपुर में एक एक पुलवा को 3 बार गिराया ना एक ठेकेदार, वो तो गिराया ना, गिराया कि नहीं मनीष भैया? वो तो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन है ना, पता है इनाम के रूप में सरकार ने उस कंपनी को क्या दिया है? एक और ही गंगा नदी पे पुल बनाने का ठेका दे दिया गांधी सेतु के बगल में, जेपी सेतु के बगल में, और एक उसके बाद भी सर शेरपुर दिखवा है। तो चले चाचा, बच्चे को पढ़ाते उड़ाते है कि नहीं? उनको पढ़ता है, अभी वो पढ़ता है, अभी आपका बच्चा पढ़ता ही है। कौन सी क्या तैयारी कर रहे हैं? मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिला? नहीं मिला, कहीं नहीं, कहीं नहीं मिला था ना, कह रहे हमारा सब नहीं पता था कि भाव अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। कितना पैसा खर्चा किया अभी तक पढ़ाई पे उसको? 5 लाख 10 लाख, मतलब चचवा जो है काला धन से कहीं पैसा निकालता होगा, काला धन है, लो बेटा जाके पढ़ाई करो। इसलिए काउंटिंग भी चचवा नहीं किया है कि 4-5 लाख 10 लाख हो गया होगा, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, खेतों बेच के नहीं ना पढ़ाएंगे, तो सच्चाई है कि बिहार के 90% गार्जियन जो है ना वो अपना खेत बेच के, खेत गिरवी रख के, सोना चांदी गहना बेच के जो है अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलता है ना, तो बड़ा दुख है, कुछ तो मिलना चाहिए। हाँ, देखिए चाचा जो है खेत बेच के अपना बेटा को पढ़ा दिए और बेटा को नौकरी नहीं मिला है तब वो खुश है, पढ़िए रहा है अभी, समझे ना? और ये खुशी जो है ना बिहार के लोगों के चेहरे पे ही देखने को मिल सकता है, बाकी दूसरे राज्य के लोगों के चेहरे पे ये खुशी देखने को नहीं मिल सकता है। चलिए चाचा, मिलेंगे फिर कहीं किसी और मोड़ पे, ठीक है? और इस पुल पे जो है ना चढ़िएगा आराम से, चढ़ लिया है ना? नहीं ना गिरा? चलिए ठीक है, कब तक चालू होने वाला है? ऊपर भी मनीष जा सकते हैं? जा सकते हैं, वो अंधेरा हो गया है, अगली बार आएंगे तो जाएंगे। कब तक चालू हो जाएगा भैया ये पुल? दिसंबर में एक लेन चालू, दिसंबर में एक लेन चालू, उस पर गिरा देगा। अच्छा, राघोपुर में ये डाउन दिया है 24 नंबर पे, क्या तक चालू करेगा? क्या राघोपुर तक चालू कर देगा ना? अब तो राघोपुर का दुख और दर्द दूर हो जाएगा। और कौन दुख और दर्द दूर कर रहा है राघोपुर का? राघोपुर का दुख दर्द कौन सुन रहा है? भैया देखिए, ये होता है कि हसुआ जो है अपने तरफ खींचेगा। आइए आइए भैया आइए, बना रहे हैं नितिन गडकरी जी, कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? नितिन गडकरी। और राघोपुर में स्पेशल जो है उन्होंने आर्म दिया है कि राघोपुर के लोगों को दिक्कत ना हो, डाउन दिया है, सही है कि नहीं है? कौन बना रहा है? नितिन गडकरी जी, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहा है, नितिन गडकरी जी बना रहे हैं, लेकिन इनका हंसुआ जो है अपने तरफ खींच रहा है, सही है कि नहीं है? उस साइड गिरा देगा क्या? किस साइड? उस साइड गिरा देगा। किस साइड गिरा देगा? ये चीजें, कमाल का पुल बन रहा है, और धन्यवाद देना चाहिए राघोपुर के लोगों को कि जो है नितिन गडकरी के अथक प्रयास से एक मजबूत भाई जाने वाला तो ना, बीच में राघोपुर उतरने के लिए रास्ता भी दिया जा रहा है, सही है कि नहीं? अगर वो चाहते तो नहीं देते, कहते कि यहाँ के विधायक तेजस्वी जी हैं, हम नहीं देंगे। अच्छा, तेजस्वी जी आते होते हैं कि नहीं? आते हैं। कितना बार आए होंगे इधर? 4-5 बार आए हैं इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद 4-5 बार आए इधर? आए नाव से, बन जाना चाहिए था आज से 20 साल पहले राघोपुर के लिए पुल बन जाना चाहिए था कि ना भैया? कितना दिक्कत हुआ है आप लोगों को, कितने बच्चे डूबे हैं, हुआ है कि नहीं हुआ है? सबसे ज्यादा सर ये चीज है, और जबकि दो दो बार पथ परिवहन मंत्री रहे हैं, वो पिछली बार भी रहे थे 2015 से 2017 तक, बना देते अपने लोगों के लिए, बनाना था बना देते। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग जब जब जातियों में बढ़ते हैं ना बिहार के लोग, तब तब हम लोगों के साथ दुर्दशा होता है। हालांकि धन्यवाद है कि नितिन गडकरी जो इस देश के ही नहीं पूरे दुनिया के सबसे अच्छे पथ परिवहन मंत्री हैं, है कि नहीं? नितिन गडकरी का नाम सुना है कि नहीं आप लोग?
रोड सबसे ज्यादा कौन बनवाता है? बनवाते हैं ना, सड़क परिवहन मंत्री है, पता है आपको? नहीं पता नहीं भैया, तो हंस बाबा तो अपने तरफ में जब पता नहीं रहेगा तो इसलिए पता होना चाहिए, समझे ना। इसमें जो है उनका पैसा लगा, केंद्र सरकार का पैसा लगा है इसमें पूरा पूरा, और स्पेशल राघोपुर में इसके लिए आर्म दिया जा रहा है कि राघोपुर के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। तो कुछ भी हो, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। अगर पुल गिरता है, सरकार किसी की रहती है, हम बनाते हैं कि नहीं वीडियो बनाते हैं ना, तो पुल मजबूत बनेगा तो उसको भी दिखाया जाएगा। अगर तेजस्वी जी के विधानसभा में नितिन गडकरी जी पुल बनवाएंगे तो उसको कहना होगा कि तेजस्वी जी नहीं बनवाए हैं, नितिन गडकरी बनवाए हैं, कि कहने में क्या दिक्कत है। और अगर तेजस्वी जी बनवाएंगे तो कहा जाएगा कि तेजस्वी जी बनवाए, ये चीज है। और बाकी हंस हुआ, चलिए जय हिंद।